खुशियों के ये पल आज है और है कल, हम इस पल को जी ले। कुछ खा पी ले, पिज्जा पॉइंट कंगोर फॉर डिलीशियस मोमेंट्स। विभाग और एचपी कंपनी के बीच सोमवार को जिला कलेक्टर आरती डोगरा की अध्यक्षता में एमओयू साइन किया गया, जिसके तहत जिले में सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों का रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा और पुराने रिकॉर्ड बायोमेट्रिक के साथ चिकित्सक को मरीज की बीमारी के विषय में जानकारी मिल पाएगी। साथ ही कंपनी द्वारा सभी सरकारी डिस्पेंसरियों को मेडिकल उपकरण भी दिए जाएंगे, जिसमें सराधना, कुचिल, रामसर और वैशाली नगर स्थित डिस्पेंसरी के सब सेंटर पर जहां एएनएम को एक टैबलेट भी दिया जाएगा, जिससे गांव ढाणी में मरीजों की बीमारी का पता वीडियो कॉल और व्हाट्सएप के जरिए चिकित्सक को बताकर मरीज को राहत दी जाएगी। एमओयू साइन करने के मौके पर जिला प्रशासन के कई अधिकारी और एचपी कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। आज एचपी के साथ मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से सीएमएचओ साहब ने एक एमओयू साइन किया है, जिसके तहत ज़िले में 4 पीएचसीज को ई पीएचसी के रूप में डेवलप किया जाएगा। इन पीएचसीज में एचपी के द्वारा सीएसआर में कुछ इक्विपमेंट दिया जाएगा, जिससे जो पेशेंट का रिकॉर्ड है वो डिजिटाइज किया जा सके, जो भी उसके वाइटल पैरामीटर्स हैं उनको ऑनलाइन उनका रिकॉर्ड दर्ज किया जा सके, ताकि जब अगली बार पेशेंट आए तो डॉक्टर के समक्ष बायोमेट्रिक्स के थ्रू उस पूरे पेशेंट का पूरा जो डेटा है वो तुरंत अवेलेबल हो जाए, उसको क्या मेडिकल ट्रीटमेंट दी गई थी वो अवेलेबल हो जाए। और साथ ही कुछ मेडिकल इक्विपमेंट भी इन पीएचसीज को प्रोवाइड किया जा रहा है। ये 4 पीएचसीज जो सराधना, कुचिल, रामसर और वैशाली नगर की जो अर्बन पीएचसी है उनको लिया गया है। साथ ही इन प्रत्येक पीएचसी पर एक सब सेंटर जहां हमारी एएनएम्स काम करती हैं उनको एक टैबलेट प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि वो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कॉल के ज़रिए या वीडियो कॉल के ज़रिए अपने जो डॉक्टर हैं पीएचसी पर उनके साथ एक कंसल्टेशन कर सके। अगर उनके पास कोई ऐसा पेशेंट आए जिसके लिए उनको किसी प्रकार की कंसल्टेशन चाहिए तो वो डायरेक्टली बात कर सकें उस टैबलेट के थ्रू, और वहीं गांव में जो भी मेडिकल उनको रिलीफ देनी है वो तुरंत उपलब्ध करा सकें। के साथ एमयू हुआ है, जिसका मेन मतलब था कि हमारी 4 पीएचसी, जैसे कि आपको पता है कि डिजिटलाइजेशन की ओर हम जा रहे हैं, तो ये हमारे को डिजिटलाइजेशन के लिए उन्होंने हमारे को कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स दिए हैं, जिसका मकसद ये था कि हमारे के जो कार्य की जो गुणवत्ता है उसको और सुधार सकें, हमारी जो 4 पीएससीज हैं उनको हम अच्छी तरह से और पब्लिक को सेवाएं दे सकें। इससे मकसद के अंदर हमारे को कुछ कंप्यूटर सिस्टम, टेली मेडिसिन के लिए और हमारे लैब्स के लिए डिजिटल हमारे को सारी जो चीज़ें दी हैं इंस्ट्रूमेंट, जिसमें ECG भी है, स्पायरोमीटर है, हमारा CBC की मशीन्स हैं, हमारी बायोकेमिस्ट्री दूसरी मशीन्स हैं, और एक हमारे को बायोमेट्रिक इक्वलाइट से भी दिया जाएगा। बायोमेट्रिक के अंदर ये होगा कि अगर कोई पेशेंट आता है तो वो अपनी अगर एक बार स्टे हम उसकी नोट कर लेते हैं तो वो उसके लिए उसके अंदर स्टोर रहती है। अगर वो 5 महीने बाद या 6 महीने बाद फिर आता है तो हम ये देख सकते हैं कि पहले इसकी हिस्ट्री क्या थी, उसके और स्टेटस में क्या स्टेटस है। बार बार हमारे को उसको रिव्यू करने की आवश्यकता पेपर्स पर हम देखते हैं वो नहीं है। अगर वो मान लो पर्ची लेके भी नहीं आता है तो वीकेंड पे हमें पता पड़ सकता है कि हमने इसको पिछली बार क्या ट्रीटमेंट दिया था और ये किस में चल रहा है। टेलीमेडिसिन के थ्रू हम दूसरे हायर सेंटर्स के अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं उस पेशेंट के बारे में, अगर उसके उस ट्रीटमेंट के लिए हमारे को कुछ आवश्यकता है तो हम कंसल्ट। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।